ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। कोल्हान में बिहार राज्य मानसिक स्वास्थ्य एवं समृद्ध विज्ञान संस्थान के बन रहे भवन का उद्घाटन इसी महीने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। उद्घाटन की तैयारी का जायजा लेने पहुंचे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने एक सप्ताह के भीतर अस्पताल के भवन का रेडी करने का निर्देश जारी किया है। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के निदेशक प्रमुख सहित कई अन्य वरीय पदाधिकारी कोल्हान में मौजूद रहे। 540 बेड का यह अस्पताल बिहार का इकलौता मानसिक आरोग्यशाला होगा। जो नया भवन है, फिर उस काम को ग्रेजुअली धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। अभी हमारे यहाँ पर 87-88 मरीज, अभी तुरंत पहले 100 बेड तुरंत शुरू करेंगे, फिर उसके एक महीने के बाद और 100 बेड शुरू करेंगे। टोटल 272 बेड वहाँ बन रहा है और इस पूरे प्रोजेक्ट को अगले 2 महीने में 100% हम लोग पूरा करेंगे। तो तत्काल जितनी सुविधाएं हम लोगों को दे रहे हैं, इस सुविधाओं को और उन्नत बेहतर भवन में बेहतर तरीके से उपलब्ध कराने का हमारा प्रयास है। और माननीय मुख्यमंत्री से आज मैं देखने इसीलिए आया था कि इसको देखने के बाद प्रगति को भी मैंने देखा और माननीय मुख्यमंत्री जी से समय लूँगा, क्योंकि बिहार के विभाजन के बाद यह पहला इतना बड़ा मानसिक आरोग्य अस्पताल है जिसका इतना बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बन के तैयार हो रहा है। और न केवल यहाँ मरीजों का इलाज होगा बल्कि आगे आने वाले वर्ष में यहाँ पे मेंटल हेल्थ की पीजी की पढ़ाई भी हम लोग करा सके ऐसी तैयारी भी कर रहे हैं। साथ ही नर्सिंग की भी पढ़ाई, जो बाकी नर्सिंग की पढ़ाई अलग होती है लेकिन साइकेट्रिक नर्सिंग की पढ़ाई अलग होती है, तो उसके भी क्लासेज यहाँ शुरू हों, उसके भी बच्चे बच्चियों का एडमिशन यहाँ हो। उसके सीट की संख्या बहुत सीमित होगी लेकिन यह संस्था अपने आप में एक बहुत बड़ी संस्था बनेगी और बिहार के विभाजन के बाद ऐसे बड़ी संस्था की जरूरत राज्य को थी जो अब अगले कुछ दिनों में मूर्त रूप ले। ठीक है।